नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जरा हट के न्यूज में। मैं हूँ आज आपके साथ बतूल रिजवी। तो रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज दिन तक की आपने कई शादियां देखी होंगी, लेकिन बीते रात संवत में एक ऐसी शादी हुई है जो सोशल मीडिया की बात करे या देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में छाई हुई है। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको एक ऐसी अनोखी शादी। आपने अभी तक दूल्हे को घोड़ी पर बैठे और बारातियों को पैदल चलते देखा होगा। आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा अनोखा विवाह जिसमें दूल्हे के साथ ही पूरी बारात घोड़े पर है। जी हाँ, ये कोई सामूहिक विवाह की बारात नहीं, बल्कि एक ही दूल्हे बेश बंधु सावरियों की बारात है जिसमें सभी बाराती घोड़े पर हैं, जबकि बारात में आई महिलाएं बग्घी में और बुजुर्ग लोग सजी धजी कारों में मौजूद हैं। बारात जब राजनगर से होकर गुजरी तो हर किसी के जबान पर यही चर्चे थी। ये शादी केलवा की रहने वाली देश बंधु की राज संवत की निकिता के साथ हो रही है, जिसमें राजनगर से लेकर सिविल लाइंस तक ये बारात पहुंची तो द्वार पर स्वागत भी अनोखे तरीके से हुआ। इसके बाद स्वागत समारोह में भी राधा कृष्ण की थीम पर कार्यक्रम हुआ। पूरे उल्लास के बीच शोर शराबे, भक्ति के धुनों और नाच गाने के बीच वरमाला का कर्म सम्पन्न हुआ। दुल्हन बनी निकिता का कहना है कि हर इंसान अपने विवाह के अनुभव को यादगार बनाना चाहता है, इसी के चलते उसने अपने आने वाले पति देश बंधु के साथ ये तय किया कि बारात घोड़े पर आएगी। इसके बाद ये कार्यक्रम बनाया गया, लेकिन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी में दूल्हे को राजा मानकर घोड़े पर बिठाया जाता है, लेकिन इस बारात में आधुनिकता और कुछ नया करने की गरज से सभी बारातियों को राजा बनाकर सम्मान दिया। मेरी शादी देश बंधु सावरिया से होने वाली है। हर कोई चाहता है कि उसकी शादी में ऐसे मोमेंट्स हो जो हर कोई याद रखे कि शादी हो तो उनके जैसी हो। तो हमने पहले से डिसाइड किया था कि जैसे दूल्हा एक बार एक घोड़े पे आता है, तो हमने डिसाइड किया था कि हम कुछ यूनिक करते हैं। तो यूनिक सोचते सोचते हमने सोचा कि सारी बारात घोड़े पे आए। उसके अलावा तो सारी बारात जितने भी लोग आए सब घोड़े पे बैठ के आए, ताकि वो एक मेमोरेबल रहे कि बारात इतनी डिफरेंट वे में आई है। फिर यहाँ पे आने के बाद में हमने एंट्री भी राधा कृष्ण की थीम से करवाई, क्योंकि राधा कृष्ण का जो रिश्ता होता है वो बहुत पवित्र टाइप होता है, तो उसमें वो हम चाहते हैं कि हमारा भी रिश्ता उसी टाइप का बने, इसलिए हमने वो टेक्सचर दिया कि बीच में कि राधा कृष्ण के थ्रू हमारी एंट्री हो। इस तरह से हमने हमारी शादी मेमोरेबल की।